scanner. Let's not beat around the bush. We were solving the practice exercise 1.1 of commission brokerage and discount, which was of commission part. Now we'll be solving the next four sums out of 7th one, which is 8, 9, 10 and 11. So let's start. 8th question is, Deepak's salary was increased from 4,000 to 5,000 on the rate of commission, on the same sales, due to reduction in the rate of commission from 3% to 2%. If his income remains unchanged, find his sales. मतलब कि जब दीपक की सैलरी 4,000 से 5,000 इंक्रीज होती है, कब होती है? जब उसका कमीशन रेट 3% से 2% आता है. अब कंडीशन ये है कि भले ही उसकी सैलरी जब 4,000 थी, कमीशन 3% था, और अब जब 5,000 है और 2% कमीशन है, तो भी उसकी इनकम चेंज नहीं हुई. मतलब जितना पैसा उसको पहले मिल रहा था, अभी भी उतना ही मिल रहा है. आपको फाइंड आउट करना है कि वो सेल्स कितनी करता है जिससे उसका पैसा, जितना उसका पैसा जनरेट हो सके. सो फर्स्ट 8th क्वेश्चन, लेट द टोटल सेल्स बी ऑफ एक्स रुपीज. मतलब वो जितनी सेल्स करता है, जितनी सेल उसको 3% कमीशन या 2% कमीशन से मिलती है, उसकी वैल्यू आप एक्स ले लो. नेक्स्ट, व्हेन सैलरी इज ऑफ 4,000 रुपीज, देयरफॉर कमीशन ऑन टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू, क्या आएगा आपका? जब 4,000 थी तो 3% सैलरी थी, विच इज एक्स इंटू 3/100, विच इज नथिंग बट 3x/100 रुपीज. नेक्स्ट, व्हेन सैलरी इज 5,000 रुपीज, देयरफॉर कमीशन on total sales, जब 4,000 थी तो कमीशन रेट 3% था, जब 5,000 सैलरी है तो कितना होगा? 2%, which is x into 2/100, which is equals to 2x/100 rupees. Let me just add something here. यहाँ पे बीच में आप लिखोगे therefore total income is equals to total income commission plus the that salary which is 4,000 plus 3x/100 rupees. यहाँ पे आपका आएगा total income is equal to 5,000 plus 2x/100 रुपीस. इसको आप वन ले लो, इसको आप टू ले लो, इसको आप वन ले लो. नाउ सेकेंड कंडीशन वॉज, आपका सैलरी चेंज हो ही नहीं रहा है. मतलब आप 4,000 और 3% कमीशन के साथ भी उतना ही कमा रहे हो जितना आप 5,000 और 2% के साथ कमा रहे हो. सो फ्रॉम वन एंड टू, 4,000 प्लस 3x/100 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 2x/100 प्लस 2x/100 यहाँ आएगा तो माइनस 2x/100 प्लस 4,000 यहाँ जाएगा तो माइनस 4,000. बाकी चीज़ें आप सेम रखो, यहाँ का 3x/100, यहाँ का 5,000 गिव्स यू x/100 is equals to 1,000. 100 is divided here, यहाँ जाएगा तो multiply x is equals to 1 lakh, which implies therefore the total sales Deepak makes is of 1 lakh rupees. Take a good look at this one and then we'll move on to the 9th question. Next is your 9th one.
An agent is paid a commission of 7% on cash sales and 5% on credit sales made by him. If on the sales of 1,02,000, the agent claims a total commission of 6,420 rupees, find the sales made by him for cash and credit. 7% commission cash sales पे मिलता है, 5% commission credit sales पे मिलता है. So आपको find out करना है कि उसने cash sale में कितना कमाया है, कितना सेल किया है और क्रेडिट के बेसिस पे कितना सेल किया है. सो फर्स्ट लेट कैश सेल्स बी एक्स रुपीस. कैश सेल्स आपकी एक्स रुपीस है. टोटल सेल आपको पता है कितनी है, कितनी टोटल सेल्स is equal to 1,02,000 rupees. Therefore, credit sales is equal to, of course, 1,02,000 minus x rupees. समझो उसने cash sales x rupees किया है, तो definitely जितना उस इसमें से पैसा बचेगा जो cash sales से निकलेगा तो डेफिनेटली क्रेडिट सेल्स का ही होगा. नेक्स्ट कमीशन ऑन कैश सेल्स इज ऑफ 7%. यस 7%. देयरफॉर commission on cash sales is equal to how much? 7 into x upon 100, which is 7x upon 100 rupees. Next you have therefore commission on credit sales. क्रेडिट सेल्स पे आपका कितना कमीशन है, दैट इज योर 5%. देयरफॉर कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 5 into, अब आपका क्रेडिट सेल्स कितना है, 1,02,000. 5 into 1,02,000 माइनस एक्स अपॉन 100 रुपीज. हियर कम्स द डिफिकल्ट पार्ट. यू हैव टोटल सेल्स, टोटल कमीशन इज इक्वल टू कमीशन on cash sales plus commission on credit sales. Cash sales और credit sales का commission मिलाएंगे तब जाके आपको total commission मिलेगा. Therefore total commission आपको दिया हुआ है कितना है, 6,420 is equals to 7x upon 100 plus 5 into 1,02,000 minus x upon 100. यहाँ पे 100 कॉमन है, आप यहाँ ले लो, ये हो जाएगा आपका 6,420,000. 6,42,000 is equal to 7x plus 5,000,000, 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
7x plus 5 lakh 10,000 minus 5 into x 5x.
यहाँ पे 100 दोनों डेसिमल्स में, दोनों डिनोमिनेटर में कॉमन था, तो इसलिए मैंने एक स्टेप छोड़ के ये 100 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस 5,10,000 वो जीरो है, माइनस 5,10,000, 6,42,000 माइनस 5,10,000 इज इक्वल टू 7x माइनस 5x गिव्स यू 2x, दिस गिव्स यू 0,0,0, 2 माइनस 0, 2, 4 माइनस 1, 3, 6 माइनस 5, 1, 1,32,000 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू हाउ मच, 1,32,000 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 66,000। Here is some extra work which I am giving you as homework. आपने x 66,000 रुपीस निकाल लिया, मतलब क्या आपका कैश सेल्स कितना था 66,000 रुपीस। सेम आप जब क्रेडिट सेल्स में जब सब्सटीट्यूट करोगे ये x की वैल्यू 66,000, तो आपको क्रेडिट सेल्स भी आ जाएगा। ट्राई टू डू दिस स्मॉल टू स्मॉल स्टेप्स एट होम एंड टेक अ गुड लुक एट दिस वन व्हाइल आई प्रिपेयर फॉर द 10th वन। Alright, the next question you have is the 10th, that is the second last question for today. 10th question has 3 cars were sold by an agent for 2,40,000, 2,22,000, 2,25,000 respectively. Rate of commission was 17.5%, 12.5% on the second car, 17.5% on the first car. If on whole the agent received 14% commission on sales, फाइंड द रेट ऑफ कमीशन ऑन द थर्ड कार। तो सबसे पहले आप रेट ऑफ कमीशन ऑफ थर्ड कार निकालो। लेट एक्स बी द रेट ऑफ एक्स परसेंट बी द रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार। नाउ लेट मी गिव यू सम बेसिक वॉक थ्रू। आपको तीन कार दी हुई है, तीनों के प्राइस दिए हुए हैं, आपको बोला गया है कि तीनों के अलग अलग कमीशन प्राइस है, कमीशन रेट है, अलग अलग कमीशन रेट पे बिकी है, अलग अलग प्राइसेस पे बिकी है। आपको एक टोटल कमीशन रेट दिया है, आपको टोटल कमीशन रेट दिया है 14%। ये कब आएगा? जब ही आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कार का पूरा जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस था इसके साथ जोड़ोगे तब आएगा, है ना। फिर आप फर्स्ट प्राइस का कमीशन निकालोगे, सेकंड कार का कमीशन निकालोगे, थर्ड कार का कमीशन निकालोगे, तब जाके आपको टोटल कमीशन आएगा ना। तो टोटल कमीशन इन तीनों का निकालोगे या एक पूरे तीनों गाड़ी के पैसे का कमीशन 14% निकालोगे तो भी एक ही बात होगी। सो फर्स्ट लेट एक्स परसेंट बी द रेट ऑफ कमीशन ऑफ थर्ड कार। टोटल price of all three cars is equal to, sorry, so the first car was for 2,40,000, second car was for 2,22,000 and third, sorry, 2,32,000 plus third car was for 2,25,000. So आपकी गाड़ी का प्राइस होता है 6,87,000 रुपीज, और इसमें से आप 14% कमीशन टोटल निकालोगे तो उस एजेंट को टोटल 14% कमीशन का प्राइस मिला था। देयरफॉर कमीशन ऑन टोटल सेल्स इज इक्वल टू 6,87,000 इंटू 14 अपॉन 100, ये जीरो कट, 14 0s are 0, 14 7s are I guess 98, 14 8s are is 14 8s are 8 12s are is 96, 8 13s are is 6,
112 plus 9, 131. Let me give you a quick calculation. Do a quick calculation. 6870 into 14. 0 4 7 are 28. 4 8 are 32. 3 34. 4 6 are 24. 27. 0 7 8 6. Okay, 0 8. 10 plus 4 11. 8 plus 7 15 16. 6 7 8 9. Here up. The answer is 96,180 rupees. That means उसने 14% में 6,87,000 rupees में जब कार बेचा तो उसको 14% कमीशन कितने का मिला? 96,180 rupees. ये आपने तीनों गाड़ी का टोटल कमीशन निकाल लिया. अब आपको इंडिविजुअल कमीशन निकालना है. कमीशन ऑन फर्स्ट कार. फर्स्ट कार का कमीशन रेट कितना है? 17.5% इज इक्वल टू. और फर्स्ट कार का रेट कितना है? 2,40,000 इंटू 17.5 अपॉन 100. ये तो जीरो, ये तो जीरो कट. ये हो गया आपका 240 इंटू 175. 240 इंटू 175 हो जाएगा आपका 5 0 0 5 4 10 11 12 7 0 0 7 4 11 28 7 2 14 15 16 0 4 2. ये हो गया आपका 0 0 0 6 plus 4 10 11 12 2 3 4. ये हो गया आपका 42,000 rupees. Next you have commission on सेकेंड कार. सेकेंड कार पे कमीशन रेट है आपका 12.5% इज इक्वल टू. और सेकेंड कार का रेट कितना है? 2,22,000 इंटू 12.5 अपॉन 100. ये दो जीरो कट. 2,22,222. ये जीरो आपका डेसिमल के लिए चला गया. जैसे यहाँ पे ये एक और जीरो था वो डेसिमल के लिए चला गया. 222 into 125 5 2s are 10 5 2s are 10 5 2s are 10 11 4 4 4 0 0 2 2 2. ये हो गया 0 5 6 7 4 5 6 7 32. आपका आंसर आया 27,750 rupees. कमीशन ऑन थर्ड कार. आपको कमीशन ऑन थर्ड कार पे थर्ड कार का परसेंट आपने टैक्स लिया है. देयरफॉर कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल टू 2,25,000 इंटू एक्स अपॉन 100. ये जीरो कट. यू हैव 2,250 rupees ऑफ कमीशन. लेट मी जस्ट वॉक थ्रू यू अगेन. तीन कार्स, 2,40,000 की फर्स्ट कार, 2,22,000 की सेकेंड कार, 2,25,000 की थर्ड कार. आपने तीनों कार्स का पहले टोटल प्राइस निकाला. टोटल प्राइस से टोटल कमीशन निकाला. टोटल कमीशन इज लगभग 96,180 rupees. नेक्स्ट स्टेप आपने लिया कि पर कार कितना रेट ऑफ कमीशन है वो ढूंढा. थर्ड कार का रेट ऑफ कमीशन निकालना है. आपने थर्ड कार का रेट ऑफ कमीशन एक्स लिया है. अभी आप टोटल कमीशन वैल्यू जितनी आई है, जो आपकी 96,180 है, उसको आप ये तीनों के सम से जोड़ोगे तो इनडायरेक्टली 96,000 ही आएगी. देयरफॉर टोटल कमीशन इज इक्वल टू 96,180 रुपीज़
therefore 42,000 plus 27,750 plus 2250x is equals to 96,180. आपने तीनों गाड़ी का जो कमीशन वैल्यू था उसको ऐड करके तीनों गाड़ी का टोटल कमीशन वैल्यू जो 14% वैल्यू था उसके साथ इक्वल कर दिया. दिस बिकम 0,569,750 प्लस 2250x इज इक्वल टू 96,180 प्लस 69,750 क्या वहाँ पे 2250x is equals to 96,180 minus 69,750. 008 minus 5, 311 minus 7, 4, 15 minus 9, 6, 8 minus 6, 2. 2250x. 2250 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाएगा तो डिवाइड x इज इक्वल टू 26430 अपॉन 2250 00 कट 375 जा 881 जा इन शॉर्ट क्या है 881 अपॉन 75. नाउ इफ यू सी दिस गोस 75 88 माइनस 75 गिव्स यू 8 minus 75, 8 minus 5, 3, 8 minus 7, 1. Okay. Gives you 131. Then again, 75, 1s are 75. आप फिर से लोगे, आप लिखोगे 131 minus 75, 11 minus 5, 6, 12 minus 7, 5. You have 5, 6. आप point ले लोगे, 0. अब 75 इंटू आप 7 करके देखो 75 इंटू 7 आपको आएगा 49 35 9 प्लस 3 12 515 करोगे आप 10 ये हो गया आपका 11.7 10 माइनस 5 5 5 माइनस 1 4 5 माइनस 5 0 4 5 0 आप फिर बाद में लोगे 11 पॉइंट 75 इंटू 6 आपको आंसर आएगा 11.76%. इफ यू वांट मैं आपको कैलकुलेटर पर भी करके दिखा देता हूँ. वेट अ मिनट व्हाट इज इट 26430 26430 डिवाइडेड बाय 2250 इज 26430 divided by 2250. You have the answer as 11.74666 जो लगभग हमको वही आया है 11.6 आया है. तो try to do this at home. The sum is not difficult, just lengthy है इसलिए ऐसा लग रहा है. Try to do this at home. We'll move on to the 11th sum. So the last question for today, it's a bit kind of out of syllabus because it's based on the concept of discount, trade discounts, listed price. मैं आपको समझाता जाऊँगा. ये schedule में नहीं था इसलिए मैंने देखा नहीं. So the first one is, 11th question is, स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स अलाउज 15% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस एंड फर्दर डिस्काउंट ऑन 5% फॉर कैश पेमेंट ऑफ वॉशिंग मशीन. फाइंड लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इफ इट वॉज सोल्ड फॉर नेट वर्थ ऑफ 38,356.25 rupees. स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स वॉशिंग मशीन बेचता है जो ट्रेडर डिस्काउंट देता है 15% का. मतलब 15% आपका मैंडेटरी डिस्काउंट है. जस्ट टू लेट यू गाइस नो ट्रेड डिस्काउंट कितना है 15%. व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे रहेगा ही रहेगा.
समझो आप जब भी डीमार्ट जाते हो, तो डीमार्ट जाते हो तो वो 1-2 रुपया कम में देता है। मतलब क्या होता है कि वो आप वो एक चीज़ लो या आप वो 10 चीज़ लो, वो 1-2 रुपया हर एक चीज़ पे कम होता ही है। फिर अगर आप कुछ ज़्यादा चीज़ लेते हो, समझो आप 1,000 रुपये की शॉपिंग करते हो या 1,000 से ज़्यादा रुपये की शॉपिंग करते हो, तो वो लोग और अलग डिस्काउंट देते हैं। तो वो होता है ट्रेड अलग काइंड ऑफ इनवॉइस प्राइस या उससे अलग होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट ऐसा होता है कि ट्रेड डिस्काउंट मैंडेटरी होता है, जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर्स हो या कोई भी मॉल हो वो देता ही है। नेक्स्ट आपको दिया है ट्रेड डिस्काउंट आपका 15% का है। फर्दर डिस्काउंट, आपका फर्दर डिस्काउंट मतलब और डिस्काउंट जो है वो 5% का है। ये 15% कब है? जब भी आप कोई भी शॉपिंग करो, भले वो क्रेडिट से हो डेबिट से हो, फर्दर डिस्काउंट जो है आपका 5% वो कब होता है? जब कोई कैश पेमेंट कर रहा है। कि स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लिया तो उसने समझो जो वॉशिंग मशीन खरीदा या कोई भी प्रोडक्ट खरीदा पर उसको कैश प्राइस पे खरीदा, उसके कैश दे के खरीदा, तो उसको जितना ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, और जितना 5% का कैश डिस्काउंट है वो भी है। तो सबसे पहले आप ले लो लेट लिस्टेड प्राइस बी ₹1। लिस्टेड प्राइस भी ₹1 मतलब क्या? जितना उस वॉशिंग मशीन पे लिखा हुआ था, इस 15% को हटा के, इस 5% को हटा के, जितना वॉशिंग मशीन ओरिजिनल प्राइस में था, जितना वॉशिंग मशीन के लिस्टेड प्राइस में था, जितना वॉशिंग मशीन प्राइस में आया था, वो आपने ₹1 लिया। वन थी देन। अब लिस्टेड प्राइस में से उसमें आपने 15% हटा दिया, हटा दिया, देयरफॉर प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू x × 15/100। ये क्या है आपका? लिस्टेड प्राइस है। ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद जितना प्राइस प्राइस लगेगा वो क्या है आपका? 15x/100 रुपीस, 15x/100 रुपीस। ये आपका प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट हो गया। फिर आपका इनवॉइस प्राइस आएगा। इनवॉइस प्राइस इज व्हाट? व्हाट इज इनवॉइस प्राइस? इनवॉइस प्राइस इज नथिंग बट दैट प्राइस जो आपको बिल के ऊपर लिख के आएगा, जो आपको मशीन खरीदने पे जितना पैसा आपको उसको देना है। देयरफॉर इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू लिस्टेड प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लेट मी जस्ट गिव यू वन टिपिकल एग्जांपल। समझो आप फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो सबसे पहले वो दिखाएगा कि आपको कि ये प्रोडक्ट आपका 999 का है, पर इस पर इतने इतना प्राइस लगने के बाद ये 499 का हो गया है। तो ये क्या था उसका? लिस्टेड प्राइस। ये क्या था उसका? इनवॉइस प्राइस। और इसके बीच में जो प्राइस कटा है वो आपका ट्रेड डिस्काउंट वाला प्राइस है। तो ये आपका लिस्टेड प्राइस है, ये आपका डिस्काउंटेड प्राइस है। इनवॉइस प्राइस क्या होगा? लिस्टेड प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट वाला प्राइस। Which is nothing but what? X minus 15x/100, which is nothing but 100x minus 15x/100, जो क्या है आपका 85x/100। आपने लिस्टेड प्राइस में से आपका जितना ट्रेड डिस्काउंट वाला प्राइस है वो निकाल दिया, तो आपका बचेगा इनवॉइस प्राइस, जितने में आप उस वॉशिंग मशीन को बेचोगे। नेक्स्ट इज योर कैश डिस्काउंट। अभी समझो उसने कैश में खरीद लिया, जो भी बायर था उसने कैश में वो पर्टिकुलर चीज खरीद लिया, तो वो कैश डिस्काउंट किस में से जाएगा? इनवॉइस प्राइस में। देयरफॉर कैश प्राइस आफ्टर कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू, इसी में से ही जो इनवॉइस प्राइस था इनटू आपका जो कैश का डिस्काउंट है वो जाएगा।
ये 5 1 जा, ये 5 20 जा, 24 5 4 जा, 5 17 जा, ये हो गया आपका 17x अपॉन 400 रुपीस। अब ये 17x अपॉन 400 रुपीस क्या है? जितना वॉशिंग मशीन प्राइस में आया, कब? जब उसको 15% वाला डिस्काउंट नहीं लगा दिया, जब उसको 5% वाला डिस्काउंट लगा दिया, तब जाके मशीन का प्राइस 17x अपॉन 400 रुपीस जितना हुआ। अब नेट सेलिंग प्राइस क्या है? नेट सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। आपका नेट सेलिंग प्राइस जो था, जो आपको इस मशीन का दिया हुआ है, वो क्या है? आपका इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। नेट सेलिंग प्राइस आपको मशीन का कितना दिया है? 38356.25। इनवॉइस प्राइस आपको पता नहीं है, जो आपने फाइंड आउट किया है वो है आपका 85x अपॉन 100। माइनस कैश डिस्काउंट कितना है आपका? 17x अपॉन 400। ये हो गई एक बात। अब आप देखोगे यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 100 है। 38356.25 = इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी करोगे, तो ये हो गया आपका 340x अपॉन 400 माइनस 17x अपॉन 400। 400 दोनों में कॉमन है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई 38356.25 × 400। Now let me give you a small correction. यहाँ पे दो जीरो मतलब 100 है, यहाँ पे दो पॉइंट्स है। अगर मैं ये पॉइंट को शिफ्ट करूँगा तो ये दोनों जीरो गायब हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली 38356.25 × 4 बचेगा, which gives you 340x - 17x। 38356.25 × 4 = this gives you 323x. Therefore, x is equals to 38356.25 × 4 upon 323. Let me just use another pen. आपका है 38,35,625 × 4 upon 323. Now we will perform some division here. आप सबसे पहले कैलकुलेट कर लो आपका 38,35,625 / 323. Now if you see here, 38,83,5625 or whatever that number is, in divided by 323, आपको आंसर आएगा 11,875। मतलब आपको 38356.25 × 323 आपको आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है आपको 11,875, which is therefore x is equals to 11,875 × 4. 4 5s are 20, 4 7s are 28, 29, 30, 4 8s are 32, 33, 34, 35, 4 1s are 4, 5 6, 7, 4 1s are 4. आंसर आता है आपको 47,500, जो आपका वॉशिंग मशीन का लिस्टेड प्राइस है। ट्राई टू डू दिस वन एट होम।
अगले लेक्चर में हम डिस्काउंट के ऊपर भी जितने ABCs है वो उनको क्लियर करेंगे. टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.